नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पंजाब केसरी टीवी के स्पेशल सेगमेंट खबर दिनभर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर रसाकशी और तेज हो गई है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस विधायक दल साफ दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक और गहलोत गुट के नेताओं ने अपने अपने नेता के यहां सुबह से आना शुरू कर रखा है। सचिन पायलट के निवास पर सुबह से विधायकों के आने का दौर चलता रहा। बाड़मेर जैसलमेर से बड़ी तादाद में पायलट समर्थकों ने उनके घर का रुख कर रखा है। शिव विधायक अमीन खां, विधायक इंद्रराज गुर्जर, राकेश पारिक, खुशवीर सिंह जोरावर जैसे कई विधायकों ने सचिन पायलट के साथ मुलाकात की। पायलट के घर पर आने वाले तमाम नेताओं से पंजाब केसरी टीवी की लगातार बातचीत होती रही। इन बातों में फैसला आलाकमान पर छोड़ने की बात भी कही, लेकिन साथ ही अपनी मंशा में वो अपने नेता का नाम लेने से भी नहीं चूके। पायलट के घर सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुलाकातों में व्यस्त रहे। शाम 4 बजे उनका AKIT में जाने का कार्यक्रम था, जो बाद में टल गया। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत 2 दिन तक जयपुर में विधायकों और अपने मंत्रिमंडल के साथियों के बाद संवाद कर विधायक दल का मन टटोलेंगे। दिल्ली में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरते वक्त कई विधायकों और मंत्री उनके साथ रहेंगे। राजस्थान में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट ने देर शाम दिल्ली का रुख कर लिया। माना जा रहा है कि वो विधायकों का मन टटोलने के लिए जयपुर में थे। आलाकमान की ओर से गहलोत और पायलट को संदेश है कि पार्टी में गुटबाजी पहले खत्म करें, ताकि किसी के भी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आपसी खींचतान का नजारा ना बने। उधर कांग्रेस में चल रही इस उठापटक पर बीजेपी के नेता तंज कसने में पीछे नहीं रहे। जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस में जनता की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को दिल्ली से रेल मार्ग से सुबह जोधपुर पहुंचे। इसके बाद निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। गजेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की चिंता करने के बजाय सरकार केवल कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा कौन नहीं रहेगा इसके ऊपर चलन जब केंद्रित हो गया, उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राही माम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे, सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र के किसानों के लिए अहम घोषणाएं भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 2 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। ऐसे में आज बिरला ने अपने कैंप कार्यालय में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं कई संगठन के लोगों ने बिरला का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं किसानों को हो रही खाद की कमी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसानों को परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी खाद और DAP की जरूरत होगी वो भिजवाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के मंत्री से चर्चा कर ली गई है। बिरला ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। बूंदी के किसानों के लिए 2600 मैट्रिक टन DAP का एक और रैक आज शाम तक बूंदी पहुंच जाएगा। 2 दिन पहले भी 2 रैक बूंदी आ चुके हैं। बिरला ने यह भी कहा कि अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन और उड़द की कई फसलें खराब हुई है। फसलों की बीमा को लेकर केंद्र में बैठे अधिकारियों से जानकारी ली गई। कारण फिर किसानों की सोयाबीन और उड़द की कई फसलें खराब हुई है। पूर्व में भी मैंने दिल्ली के अंदर फसल बीमा के विषय को लेकर एग्रीकल्चर और बीमा के कंपनी के अधिकारी और फाइनेंस सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बुलाकर व्यापक चर्चा की थी। मैं किसानों से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी फसल खराबे का मुआवजा मिले, इसके लिए हमें तुरंत फसल बीमा के लिए तुरंत वहाँ के अधिकारियों को, बैंक को तुरंत सूचना करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम फसल बीमा के अधिकारियों और एग्रीकल्चर अधिकारी की जो टीम आए उस टीम को पूर्णता अपने खराबे को दिखाएं।
ताकि किसान को फसल बीमा का लाभ मिल सके। मुझे ये पीड़ा है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की एक अच्छी फसल होती जो ख़राब हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके उनको फसल बीमा का लाभ मिले, अतिवृष्टि में या आपदा का भी उनको लाभ मिले ताकि वो नई फसल बो सके। सही है कि खाद की कुछ परेशानियों की जानकारी मुझे किसानों के माध्यम से मिली थी। मैंने इस मामले में दिल्ली में फर्टिलाइजर मिनिस्टर से और अन्य लोगों से चर्चा की है और उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, DAP की रेक आ रही है, यूरिया की रेक भी आ रही है और यूरिया क्योंकि यहाँ पर यूरिया की फैक्ट्रियाँ हैं। वहीं बात करेंगे राजस्थान के एक और बड़े घटनाक्रम की, जहां विधायक के बेटे पर ACB की कार्रवाई की गई। थानागाजी विधायक के दो बेटे समेत 4 लोगों के ऊपर ACB की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर राजस्थान में हड़कंप मच गया। जयपुर ACB ने थानागाजी MLA के दो बेटों समेत 4 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार करने की घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर सरगर्म है। ACB के निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा के छोटे बेटे कृष्णा मीणा से घूस के 5 लाख रुपए बरामद किए। ACB ने यह कार्रवाई शुक्रवार रात जयपुर में की। पूछताछ में कृष्णा मीणा ने बताया कि बड़े भाई लोकेश मीणा ने रुपए लेने के लिए उन्हें जयपुर भेजा था। इस पर कृष्णा को लेकर ACB की टीम देर रात थानागाजी पहुंची। यहां लोकेश मीणा, राजगढ़ BDO नेत्राम और प्रधान के बेटे जयप्रताप को गिरफ्तार किया गया। फिर इन सभी को लेकर ACB टीम जयपुर आई। एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि ये चारों बोरिंग समेत अन्य बिल पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। मामले पर विधायक ने कहा कि ठेकेदार की नियत खराब है। शहीद हवलदार नरेश सिंह का पार्थिव देह तिरंगा यात्रा के साथ उनके पैतृक गांव झुंझुनू के बंगड़ पहुंचा। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। शहीद हवलदार नरेश सिंह की पार्थिव देह को देखकर शहीद वीरांगना और उनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के 7 साल के बेटे नमन और छोटे भाई ने पिता को मुखाग्नि दी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना की टुकड़ी ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान नरेश सिंह शहीद हो गए थे। वो आर्मी की 7 पैरा SF यूनिट के कुपवाड़ा स्थित चौकी बल में पोस्टेड थे। गुरुवार को वो गश्त के दौरान बेहोश हो गए थे। उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नरेश कुमार 7 पैरा SF से ड्यूटी के दौरान प्रॉब्लम होने की वजह से इनका ध्यान हो गया। यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा झुंझुनू से लेके पूरे बगड़ में निकाली जाएगी। पूरे उनके पैतृक गांव बगड़ है, बगड़ में उनकी पूरी यात्रा निकाली जाएगी। ये बहुत ही एक होनहार और कर्मिष्ट बंदे थे, जो कि अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहे और अच्छे एक कमांडो और पैराट्रूपर थे। कि ये सैनिक कल्याण विभाग मेरे पास है और मैं उस ज़िले से आता हूँ जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी शहादत दी। और हमारे देश की सेना के अंदर हमारा नंबर 1 स्थान है, हमारे शहीदों का नंबर स्थान है, हमारे कंधे पर भारत माता का रक्षा का भार है हमारे लिए, तो ये बहुत प्राउड की बात है। जैसलमेर में आज विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा समेत कई कवि हिस्सा लेंगे। जैसलमेर स्वर्ण नगरी प्रबुद्ध जन नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजन समिति के तहत आज शाम को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस हास्य समारोह में कवि सम्राट सुरेंद्र शर्मा, शंभु शिखर और पूनम वर्मा समेत कई कवि हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक अभिनंदन समारोह में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव का नागरिक अभिनंदन होगा। विश्व के विख्यात हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा इस विराट कवि सम्मेलन के मुख्य आकर्षण होंगे। वे अपनी दमदार हास्य कविताओं से लोगों का मनोरंजन करेंगे। पर्यटन सीजन का जो आगाज है वो एक विराट हास्य कवि सम्मेलन के साथ किया जा रहा है। इससे जैसलमेर को कहीं ना कहीं पूरे देश में विदेश में पहचान मिलेगी। जगह जगह इतने बड़े जो कवि आ रहे हैं, इसमें पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं और शंभु शिखर है, राज बिहारी गौड है, पूनम वर्मा है, इस तरीके के बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, जिससे कि जैसलमेर का नाम होगा। ये लोग जब जैसलमेर आएंगे तो जैसलमेर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन रहेगा। ये को हम पूनम स्टेडियम में करवा रहे हैं और इस आयोजन में हमने कवि सम्मेलन के साथ साथ एक फूड स्टॉल का भी प्लान किया है, जहाँ पर जैसलमेर के जो व्यंजन है, जैसलमेर के जो टेस्टी फूड है, उस सबकी स्टॉल भी अवेलेबल रहेगी। जैसे फत्ते की कचौड़ी है, दौलत का पकवान है और कुछ होटल्स और कुछ और भी रेस्टोरेंट वालों से बात की गई है, जो अपने स्टॉल भी लगाएंगे। बात करेंगे मॉनसून की, जहां सितंबर खत्म होने को है लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
जयपुर में दिन भर बारिश की बूंदे गिरती रही। मौसम विभाग के जानकारों की राय में ऐसे में राजस्थान में इस बार सर्दी जल्द आ सकती है। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। देर से होती मानसून की विदाई और उत्तर भारत में समय से पहले बर्फबारी इस बात के संकेत दे रही है कि पिछले दो दिन से हिमालय प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी भी हुई है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर में ही बर्फबारी देखने को मिलती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार बर्फबारी का असर राजस्थान में भी दिखेगा। इससे न केवल सर्दी जल्दी आ सकती है बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।